ਐ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਪਏ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਸਾ ਮਸਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੀ हाँ अली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लखा दे करोड़ा दुरूद सलाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ते अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज़म तनवीर व्लॉग जी वीवर्स क्या हाल है उम्मीद करदा सब ठीक ठाक होंगे अपना इलाका तुहानू दिखाने हैं बेशक जिदा का भी आ बाहर दिखा दें क्योंकि दिखाने वाले काबल तो वैसे है नहीं कि जितना क इतने पानी इकट्ठा होया गलियां दे विच तुहानू अपना घर बाहरों दिखाने हैं छोटा जिहा हाँ अली आजा एक तो तेरे नाम भूल जाते मैं नाम की तेरा कैसा नाम ज़ारा ते ज़ैनी साड़ी गली का मंजर हैगा तुहानू दूसरी साइड जिहड़ी है वह भी दिखाने तुहानू पहले दस्सिया कि गली इस एडा खास कोई इलाका है नहीं जिहड़ा दिखाया जा सके क्योंकि काफ़ी खराबी हुई है जिस वजह तो खुद जानी कि मुश्किल हो रही है गुजरन तो भी इतों निकल वास्ते बाहर तुम देखो यह सारा ही जरा है पानी गटर का इकट्ठा होया है यह फिर कुछ घट है जो मेन रोड है वह तो सा बिल्कुल ही बंद होया पे बहुत मुश्किल ना उतो गुजर हों कि फड़िया तो उतों की हो के तो फिर असं जाइए कि बहर कित निकलना हो इलाके चलो तुम दिखाने हैं थोड़ा जहा है सामने बोर्ड का दरखत तो सा घर है यह बच्चे बहर खेल रहे हैं ध्यान ना वो देख हम सिट हम मेन साडा बाजार हैगा साडे मुहल्ले का उस तक उत्थे जा रहे हैं वह भी तुहानू जिहड़ी लुक है दिखाने वो कि किस मुश्किल है इत्थे काफ़ी यानी कि जिहड़ा पानी गटर का कट्ठा है मुसलसल दो हफ्ते हो गए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है हालांकि जिहड़े महकमे है इस मुतलक वो तो अपना काम कर रहे हैं काफ़ी गटर की सफाई भी उन्होंने की है यह देख रहे हो यह सूरत हाल बनी हुई है बहुत मुश्किल है कि बंदा साइड पर भी नहीं जा सकता है असं हम मेन बाजार से आ गए हैं यह साडा जिहड़ा मोहल्ले का है मेन बाजार वो बच्चियां पानी ना पा दे मेन बाजार के थोड़ी कुछ दुकाना ने ज्यादा नहीं है हाँ इधर जा पंप चलाया कुछ गटर की सफाई भी नाल ही लगे हुए देख ला की करा दुकानदार जो हजरात जे तो बिल्कुल ही अपसैट हुए हैं दुकानदार ही सारे लैन बैठे बहुत दुकाना से देख रहे हो सारा दिल तो नहीं करता कि तुम दिखाया जाए मगर तुम खुद अंदाजा कर सकते कितनी मुश्किल हालात हुए ने इतने यानी कि जिंदगी जी बहुत मुश्किल हुई कि जितना पानी आना जाना भी बहुत मुश्किल होया है दुकानदारी के लोगों की जी है दुकानदार हजरात बिल्कुल फारक हो बैठा थे किस तरह पानी के बीचों नंघ नंघ जा रहे हैं बच्चे जड़े आ या जो भी है ने मम्मी आ एक साइड तो होकर गुजर रहे हैं कि खाली प्लाट है उतों की होकर क्योंकि सड़क तो कितने रस्ता ही नहीं है गुजरन का बच्चे भी सगों मजाक कर रहे हैं कि ट्यूबवेल की वीडियो बनाने वही ना दस महल जो दाखिल होता इदा लगता जिदा कि गंदे नाले बंदा वड़िया होंगे महला नहीं लग रहा गंदा नाला बहुता लग रहा है जितना कि इतने गंद पिया हो हम इतने असं आए हमाम के उत्ते
किस तरह इन्हों घर लैके जाएंगे मोटरसाइकिल उत्ते बिठा के, क्यों पैदल जाने का रस्ता ही कोई नहीं उधर, ध्यान ना जाई इन्हों बिच नहा चले जायो। लो जी एक होर आ गए ने लत्तां चुके डंडे उत्ते ते आ मोटरसाइकिल उत्ते। चल बच्चे अगे होर नंघन दे, चंगी लहर ही आन डिया जिदा बंद समंदर च ही आ गया होंगे। टीवी पर देख रहे हो हालात इस मुहल्ले दे के जो भी है तुहानू दिखा रहे हैं, एक हले दूसरी साइड पर जा रहे हैं मुहल्ले की जिथे तक पानी होया वा, तो इतने आके जो बिल्कुल एंड आ जाता मुहल्ले का साडा, उत्थे तकरीबन खुशकी है थोड़ी जी कोई, तो सेंटर दी जिहड़ियां पांच छे गलियां ने, छोटा जिहा मुहल्ला हैगा ज़्यादा बड़ा नहीं है, पांच छे गलियां जी बिल्कुल पानी नाल मेन रोड भरिया होया, तो गलियां तो तकरीबन कुछ खुश्क ने थोड़ियां थोड़ियां, बाकी कई गलियां के हालात भी ऐसे ने, उदाहरी गल है गटर लाइन जब तक खुली नहीं है तो फिर सारे पासे पानी ही पानी होना है। भाई भी बेचारा बैठा देखन डेया वा, गाहक आ रहे ने ओए बच गए, दुकानदार हजरात जिहड़े ने वी बहुत परेशान होए ने कि किसी किस्म का कोई इतना ज़्यादा नहीं गाहकी पैंदी, क्योंकि लोग ज़्यादातर तरजीह देंगे कि मन वाले जिहड़ा मेन पिंड हैगा उत्थे चले जाते हैं बजाय कि इधर आके फोन देंदे करन नालों, हुण इत्थों लंघीए किद्दां ध्यान नाल देख के, लहरां आउंदियां पईआं कोई जगह खुश्क उत्ते वी ओह कैरी डब्बा खलोता हैगा, है बहुत मुश्किल हो जाना निकलना, इधर भी आ देखो यही सूरत हाल है सारी चलन डी, एक इधर आए थे चलो ऐसे बने अहमद की कटिंग भी हो जाएगी, उन्होंने याद आ गया अहमद को मैं कटिंग करवानी हैगी, चल बह जा। ध्यान ना बहुत ना गला घुट दी, अहमद एक कटिंग करवा लग पे आप वापसी चलीए घर, क्योंकि काफ़ी बाकी जाके हाले वीडियो की एडिटिंग भी करनी है तो काफ़ी टाइम लग जाता एडिटिंग करदे करदे, क्योंकि जाहिर गल सारा दिन ड्यूटी तो हुई है सुबह तो लैके शाम तक, उस तो बाद शाम को आके ब्लॉग बनाई दे कुछ शाम को बन जाता या अक्सर यह कि दोपहर में या जिस टाइम भी टाइम मिले पर कोई उस टाइम अपना ब्लॉग मुकम्मल कर लीद, फिर शाम को आके एडिटिंग जी है वह करी दी है। गुड्डू भाई भी बैठे सोची पाए कि करिए जो हालात चलते पे सड़क से हम ऐसे हम एक कुछ हालात बेहतर हो गए हैं, नहीं तो काफ़ी महला जितों स्टार्ट होंगे उ काफ़ी हद तक पानी इकट्ठा होया सेगा, तकरीबन दो हफ्ते मुसलसल यही सूरत आ रही है, अज कुछ पानी की तेज़ी जी कुछ घट हैगी है, कुछ दुकाना ने साढ़े मुहल्ले इतों एक बेहतरी आई है, कुछ ऐ दुकानदार हजरात भी बहर बैठे सोची पे बेचारे कि करना की है, मसा मसा इतने का पानी सुका अगले पास सारा पानी चला गया है, इतों साड़ी जी है गली वो स्टार्ट हो गई है कारनर से होटल, यह देखो स्टार्टिंग पॉइंट ही जरा गली भी है गटर भरया है तो पानी उबल उबल के सारा जरा बाहर जा रहा है, इस तो अगे फिर भी कुछ हद तक खुश्क है जी भी, बस देखी सूरत हाल बंदा अगले सच्ची गल दसे जा के अभी क्यों कहीं बनावटी दिखाई जाना है बाकी बड़े जी डिफेंस बच्चे रहने या अभी गुलबड़े च रहने, नहीं एक साड़ा मिडल क्लास तबका है जिहड़ा कि असी इस छोटे जे मुहल्ले दे विच रह रहे हैं कि जो सूरत हाल मुहल्लियां दी हुंदी है कि जो है कुछ घर साढ़े गली दे विच बने हुए ने तुहानूं दिखा रहे हैं, इंटरस्ट जिहड़ा है गली दा उह काफ़ी हद तक खराब होया है बहुत ज़्यादा उत्थे पानी होया, बाकी गली दे विच आ के वह काफ़ी हद तक साफ हैगा, घर आ गए अपने आ गया दरखत बोर्ड का तो चलिए हम घर जी घर आ गए तो हालात तुम दिखाते अपने मुहल्ले के, असी कोई डेकियों कहें गुलबर्ग या गुलिसा च नहीं रहन डे कि जरा असं तुम तो लुकाईए कि नहीं बी पता नहीं देख के की कहे कि गंदा इलाका वा, नहीं जो असल है तुम दिखा दिता है क्योंकि ना तो साढ़े को गाँव हैगा असं तुम गाँव की जिंदगी दिखाईए शहरी इलाका वा, मगर शहरी इलाका भी इस तरह होया कि बर्बाद होया पाया सारा ही, अज का ब्लॉग साडा इन्ना की सीगा तुहानू दिखाते हालात अपने मुहल्ले दे, अपना रखियो ख्याल ते अल्लाह हाफिज़।